मृतक को पायो तन सा बिछड़त आ
मृतक को पायो तन सासा बिछड़त आण मिलाया पशु परेत मुकद पे स्रोते हार नामा मुख गाया पशु परेत मुकद पे ताकि कीमत कह न
बोलो सारे भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हर ना खसमार पचाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मन मुख परम फुलाया हर जी ए तेरी वडियाए हर जी हर जी ए तेरी वडियाई ए तेरी वडियाई हर जीए तेरी वडियाई भगता की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी शरणाई भगत तेरी शरणाई पूरे तोर की देख वडाई वाहेगुरु ताके कीमत कहन ना जाए ताके कीमत सदा सदा चंगियाइयां मैं रात दिहे वडियाइयां तेरियां सदा सदा चंगियाइयां मैं रात दिहे वडियाइयां अनमंगियां दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो हर मन तन वसिया जय जयकार करे सब कोई गुरपूरे की वडियाई ताके कीमत कही न जाई ताके कीमत कही न जाई पूरे गोर की देख बढ़ाई पूरे गोर की देख संगत बोले जी पूरे पूरे वडाई पूरे गोरे की देख बोलो भैणा
देख वडाई। सो निहार गुरसिखा कै मन पाव दे गुर सतगुर के बटे आई। गुरसिखा कै मन पाव दे गुर सतगुर के बटे आई। सतगुर की बटियाई और 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 सतगुर की सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई। संगत बोलो वाहेगुरु हर रखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छटाई। गुर सतगुर तान दिवान हर दिन सब आन दिवाई। जिन डिठा मेरा सतगुर भाओ कर तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे के मुख उजले जन नानक मंगे धूड़ तिन जो गुरु के सिख मेरे भाई। गुरु सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई। गुरु सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई। बोलो भैणा पाव दी गुर सतगुर की वडियाई।
सतगुर की वडियाई, गुर 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 सिखा के मन भाव दी गुर सतगुर की वडियाई, गुर सिखा के सतगुर की वडियाई। बोलो गुर सिखा के मन पावदी गुर, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।
राजन के राजा महाराजन के महाराजा गुरता गद्दी दे मालक जारा जहूर हाजरा हजूर जागदी जोत निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी गोद विच बैठे एक वारी मुड़ सुभाग मिलिया सानू सारिआं नू सत्संग करन दा अपने कर्मां नू सलाईए जिन्हां ते खुशी हुंदी है जिन्हां ते नदर हुंदी उन्हां नू संगत च लैके आउंदे सतगुरु उन्हां दी पवित्र गोद विच बैठे हाँ हर जस कर रहे हो सारे पूरे गुर की देख वडाई पूरे गुरु दियां की वडियाईयां सतगुर चाह मोए नू भी उठा दे मुर्दे विच भी जान पा दे सतगुर जी की नहीं कर सकते आखो वाहेगुरू सारे आखो जी वाहेगुरू प्रभ भावे जिन सास ते राखे अनेकां ही कौतक उन्हां दे हजूर जदों उन्हां दे गुण गावांगे यकीन मन्नेओ कहिंदे तैनूं मंगण दी लोड़ भी नहीं पैंदी तू दर्शन करदा मत्था टेकदा तेरे कर्म माड़े बदल देंदे आ आखो वाहेगुरू सारे आखो जी वाहेगुरू ए आ मेरे पूरे गुरु च बख्शिश आ सारे सुरतियां लै चलो श्री अकाल तख्त जेड़े साड़ी फुलवाड़ी दे मालक ने मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ पिता सतगुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज एक दिन बैठे महाराज जी ने बुलाया बाबा बिधी चंद भाई गुरदास जी भाई भाना जी ते केंदे मौज में आए पता की केंदे केंदे सारिया सारी संगत जिथे जिथे हैगी ना सबना नू हुक्मनामे कलो साडे चिट्ठियां लिखो हुक्मनामे कलो बाबा बिधी चंद जी पुछदे महाराज जी हुक्मनामा किस चीज का की लिखना है चिट्ठी हुण सुनियो सतगुरु जी की कहिंदे महाराज कहिंदे सारिआं नूं हुक्मनामे च लिखो चिट्ठियां च जिथे जिथे संगतां में नगरां गावां महल्लियां पिंडां दे विच जिथे जिथे संगत वसदी है दूर दुराडे सभनां नूं इह साडा हुक्मनामा घल्लो कि भादों की मस्सिआ आ रही है सारी संगत भादों की मस्या ते श्री तरन तारण साहिब पहुंचे आखो वाहेगुरु सारे आखो जी वाहेगुरु हुण गौर करियो इतिहासक जिक्र महाराज ने हुक्मनामे कले कई कह देंदे आ वी संगत मस्या ते क्यों आउंदी है कई कह देंदे संगत संग्राम ते क्यों आउंदी है ये वेखो किते पूर्णमाशी का दिन मनाया जांदा हुण इस इतिहासक जिक्र च सच्चे पातशाह छेवें महाराज जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप चिट्ठी लिखा रहे हैं भी सारी संगत भादों की मस्या ते श्री तरन तारण साहिब पहुंचे आखो वाहेगुरु चिट्ठियां पहुंच गई हुक्मनामे पहुंच गए
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਘਰੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਸੈਨਾ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਮਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭਾ ਲਾਈ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਿਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੀਮਾ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਵਿਘਣ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਗੀ। ਵੈਦਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਮੰਨੇ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਕਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਓ ਜਕਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ
हूँ कुदरती मैं परसों चौथी इतिहास पढ़ रहा कुदरती हूँ सावन का महीना हूँ अगला महीना आना भी भादों का जिथों तक हो क्योंकि कई बार सानू पता नहीं होंगे इन्ना पता होंगे भी अपनी क्योंकि रोड है मस्या वाली रात संगत इतों जाती है तरन तारण साहब कितने पूर्णमाशी मनाई जाती है पर इत्थे वेखो आप सतगुरु जी प्रेरणा दे रहे हैं कि संगत जी हर मस्या से इत्थे आओ तो भादों की मस्या तो महाराज कहते इत्थे वड्डा मेला लग्या करेगा आखो वाहेगुरु सारे आखो जी वाहेगुरु इतों हुण महाराज जी ने जदों सारी संगत दे शंके निवृत्त कीते ते कहिंदे हुण भाई गुरदास जी ने कहा महाराज इत्थों अगे एक स्थान है बारह गुबो ते जिन्हों चोला साहब कहिंदे आपां जिथे गुरु अर्जन देव जी ने चरण पाए ढाई साल महाराज जी उत्थे रहे है भाई गुरदास जी कहिंदे महाराज उत्थे भी आप जी दर्शन प्रसन करन चलीए गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे हाँ उत्थे भी चलदे हां हुण इत्थों महाराज जी उत्थे चले आओ नाल नाल आपां रस लईए पांच सत्त मिनट हुण चोला साहब का इतिहास आप जी नाल सांझा दास करावे सतगुरु सिर ते हथ रखण आओ नाल नाल पढ़ो जी सारे गुरसिखा कै मन पाव दी गुर सतगुरु की वडियाई गुरसिखा कै मन पाव सतगुर की वडियाई बोलो सतगुर की वडियाई गुर 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 सतगुर की वडियाई सतगुरु की वडियाई बोलो सारे गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वडियाई बोलो सतगुर बोलो वडियाई गुर सिखा के मन सतगुर की वडियाई तरन तारण साहब तो महाराज जी ने चाले पाए सराली दे नाल चोला साहब ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ
उत्थों दी पूजा अपने आप महाराज ने चरण पाए दर्शन कीते केंद्र नाल ही इलाके की संगत आ गई सारी केंद्र जदों सारे इलाके की संगत आई हुण सुने भाई भांगा जी नाल सन उन्होंने सवाल किया महाराज गुरु अर्जन देव जी इत्थे क्यों आए सन इत्थों दा की इतिहास है इत्थे की कुत कीता ते गुरु हरगोबिंद साहिब मुस्कुरा के पता की कहिंदे कहिंदे उस वेले भाई गुरदास जी नाल सन भाई गुरदास जी तुसीं सारी कथा सुनाओ भी उदों की होया सी हुण सुणियो भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़े ते भाई गुरदास जी ने फिर उदों दा इतिहास दस्सिया कहिंदे महाराज जदों पृथ्वी चंद महाराज नूं गुरियाई मिली है ना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं वड्डा भरा पृथ्वी चंद ईरखा करदा सी कई तरह के कल कलेश कर रहा सी ते महाराज ने थोड़ा परे जाना मुनासिब समझिया इस स्थान ते महाराज आए ढाई साल उत्थे रहे ते कहिंदे जदों सतगुरु जी पहले सराली रुके कुछ दिन फिर इत्थे आए सराली भी स्थान है फिर इत्थे आए ते कहिंदे जदों इत्थे आए धुप ज्यादा सी धुप्पे बैठण करके कहिंदे जिहड़ा पिंड दा सरपंच सी ना उहने बेनती की महाराज मेरे घर चरण पाओ भी इत्थे धुप्पे तुसीं मेरे घर आओ कहिंदे उह सरपंच दी बेनती सुन के महाराज जी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सिखां समेत संगत समेत परिवार समेत कहिंदे जदों उन्हां दे घर पहुंचे सरपंच दे ते उह सरपंच दी माता ने वेख्या भी महाराज आप आए ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह हुण सुणियो कहिंदे उहने सोचिया भी प्रशादे दा टाइम है प्रशादे दा टाइम है भुख लगी होएगी पहले उत्थों आए है फिर उत्थों आए है पर जेड़ा अपना प्रशादा सी वरता चुकी सी घर दे खा चुके सी एकदम महाराज ने सरपंच घर लाया उन्हें सोचा जे हुण दाल रन्ना की टाइम लगेगा क्योंकि अजकल वांगू साधन नहीं सन हुण दालां वगैरह जल्दी कुकर ते बन जांदियां पहले अग बालन नूं भी टाइम लगदा सी फिर होर सिस्टम सी समा वध लगदा सी कहिंदे उन्हें सोचा भी दाल रन्ना की समा लगेगा जापदे महाराज नूं भुख लगी होएगी क्यों ना होवे एकदम जिहड़ा तत्काल बन जांदा ना भोजन कहिंदे चूरी उन्हें परौंठी बनाई देसी घिओ पाया नाल खंड पा के ना जिवें आपां बच्चियां नूं हुण अजकल दे मैनूं नहीं लगदा भी कोई मापे बनांदे होणगे खांदे होणगे असीं निक्के हुंदे आ चूरियां इह उदों मावां खवांदियां हुंदियां सी हुण गौर करिओ अजकल दे नवे नवे खाने आ गए पीजे बर्गर नूडल बच्चे जाते ही उधर ले दूजे बन्ने जाते ही नहीं कहिंदे ओह माई ने उस वेले क्योंकि बनाने वाली भैणां नूं पता चूरी जल्दी बन जाती कहिंदे ने घिओ खंड दे नाल परौंठी जदों बनाई ते कोले विच पा के जदों चूरी महाराज जी दे अगे परोसी ते साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी प्रसन्न होए आखो वाहेगुरु सारे आखो जी वाहेगुरु सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए महाराज इन्ने प्रसन्न होए क्योंकि चूरी नूं ना उदों शाही भोजन कहंदे सन आखो महाराज कहंदे वाह माता तैनूं पता सी सानूं भुख वी लगी ते जे भुख लगी है ते तूं हुण महाराज ने मुख तों चूरी नहीं किया है वह चूरी इनू शाही भोजन कहते सन महाराज कहते माता तेन पता सी भुख लगी है तू भुख दे विच साडे आस्ते आ चोला तैयार करके ले आई है अख वाहेगुरु चोला इनू चोले नू स्वादिष्ट भोजन किया गया शाही भोजन अख कहते महाराज ने खाधी चूरी ते महाराज ने नाले वचन किते कहते आ चोला बड़ा स्वाद है अख उस वेले इन्ने खुश इन्ने प्रसन्न नाल नाल खान
नाल नाल माता नूं असीसां देण। आखो वाहेगुरु, सारे आखो जी वाहेगुरु। इहदे इतिहास च लिखिया महाराज ने उत्थे कोई शब्द उचारिया, तनासरी महला पंजवां, बार जाऊं गुरु अपने उपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया। ते ए शब्द अखीलियां पंक्तियां सुनियो, महाराज कहिंदे शीतल सांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर धन संचन हर नाम भोजन, एहो नानक कीनो चोला। आखो वाहेगुरु, सारे आखो जी वाहेगुरु। कहिंदे महाराज ने भोजन नूं ना चोला कह के बुलाया, कहिंदे चोला बड़ा स्वाद है। आखो कहिंदे माता ये चोले दे अर्थ तुसीं पढ़ोगे ते इहदा अर्थ आंदा स्वादला भोजन, जिहड़ा भोजन 36 प्रकार दे भोजनां नूं मात दे जाए। आखो वाहेगुरु, उस भोजन नूं महाराज कहिंदे चोला। हुण गौर करियो हुण संगत जी, महाराज ने पहले परिवार नूं खुशियां दित्तियां कि तू एडा स्वादला भोजन खवाया है, ते बाद विच ना महाराज जी सरपंच नूं पुछदे ने, सरपंच जी ये पिंड दा नां की है? हुण गौर करियो, पिंड दा नां सी भैणी, जिथों का जिक्र है। पिंड वाले बोले महाराज ये भैनी पिंड है, महाराज कहिंदे अज तो ये भैनी नहीं, अज तो ये चोला है। आखो वाहेगुरु, हुण गौर करियो, सरपंच खुश, माता खुश, पर जिहड़े बाकी सी ना, महाराज कहिंदे महाराज नहीं तुहानू नहीं पता, इहनूं भैनी कहिंदे। एक बंदा जिहड़ा मूर्ख सी, कईआं नूं नहीं पता हुंदा, कई टोक देंदे महापुरखां दे विच गुरु साहिबां विच, कहिंदे टोकिआ ना करो। हुण गौर करियो, एक सिख बोलिया महाराज भैनी नहीं, तुसीं चोला कही जांदे हो, चोला नहीं है, इहनूं भैनी कहिंदे आ। महाराज कहिंदे तैनूं कहा ना, तू ना टोक, अज तो बाद चोला होवेगा। आखो वाहेगुरु, ये चोला खवाएगा। कहिंदे उसने तीजी वारी फिर कहता, कहिंदा महाराज चोला नहीं है, भैनी है। महाराज कहिंदे तू कमले का कमला ही रहेगा। आखो वाहेगुरु, तैनूं कहिंदे पए आ टोकना रोकना। कहिंदे ओ जिहड़ा टोक रहा सी ओ ते कहिंदे कमला हो गया उसे वेले। हुण गौर करियो, ते जिहड़े पंच दे नाल होर मुतबर सिख बैठे सी ना, उन्हां ने हाथ जोड़े, ओह कहिंदे महाराज इक गल दसो, तुसीं कहा वी इहदा नां चोला, पर महाराज कागजां विच ते भैणी है, कागजां विच फिर किस तरह होएगा? गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पता की कहिंदे, कहिंदे तुसीं कागजां दी छड्डो, इहदा नां अज तों दरगाह विच वी चोला पै गया है। आखो वाहेगुरु, महाराज ने फिर उदों बचन कहे, कहिंदे जिहड़ा कहेगा चोला ओहदा गुरु रखेगा ओला। आखो वाहेगुरु, ओला कहिंदे ने पड़दे नूं, घर विच 100 कमियां पेशियां होंदियां हर एक बंदे दे, ते जे आपां साडी इज्जत दे ते इसे करके ही है वी सतगुर ने साडे पड़दे टके होए है। आखो वाहेगुरु, महाराज कहिंदे जिहड़ा कहेगा चोला गुरु ओहदा रखेगा ओला, तुसीं कागजां दी छड्डो, ये दरगाह विच वी इहदा नां अज तो चोला पै गया है। हुण सुणियो, हुण ते मैं एक गल करके समाप्ति करांगा, ते सतगुरु जी ने ना महापुरखां दा लिखिया भी साध संगत जी, महापुरखां दी रसना तो भी वचन निकल जाणा, ओह भी सच्चे पातशाह जी पूरा करदे ने, आपां सुणदे हां, तुसीं संगत करन वाले हो। संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरख, जदों मन नूं चाट हो गया ना नौकरी तो, हुण सुणियो, ओह अपने अफसरां नूं कहिंदे आ, अफसरो भी मैनूं उहनां नाल छुट्टी दे दिओ, भी मैं मेरा मन है मैं बंदगी करां। अफसर मनदे नहीं पे क्योंकि नौकरी बाकी सी, ते हर एक बंदे नूं हुंदा भी चंगा बंदा ना जावे। आखो भी ईमानदार है, ड्यूटी वाला है, अफसर मनना ना। हुण संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले, तुहानूं पता पहले फौज की ड्यूटी सी, हुण ड्यूटी कई सालां दी पई है, पर ओह चाहुंदे ने भी मैं भगती करां। उन्होंने अफसरां कोल छुट्टी मंगी, अफसर मनदे नहीं पे, एक कोल जांदे ने कहिंदे नहीं, दो कोल, तीन कोल, चार कोल, हार के बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले पता की कहिंदे, कहिंदे मैं तुहानूं प्यार नाल कह कह के थक गया, तुसीं छुट्टी नहीं देंदे पे, कहिंदे जाओ फिर मैं चला वा, किते भी कागजां विच मेरा नां ही नहीं होवेगा। आखो वाहेगुरु, कहिंदे वेख लो फिर तुसीं मेरे खिलाफ की करना है, क्योंकि मेरी किते भी तुहाडे रिकॉर्ड दे विच कुछ होएगा ही नहीं। ते साध संगत महापुरखां दे कहिण दी देर सी, हुण रोज़ हाजरियां लगदियां, रोज़ सैलरी दित्ती जांदी महीने दे महीने,
जिथे कागजा में भी करम सिंह के नाम की आ ड्यूटी वह ड्यूटी केंद्र कागजा विचों संत करम सिंह होर का ना इंज गैब हो गया कि जिमें फौज में कोई करम सिंह हों ही नहीं आख वाहेगुरु जकारा संगत जी गज के सत श्री अकाल भी जे बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले ने यह कहता ना भी हुण मेरा मन ने जानदा हुण ना हाजरी दे रजिस्टर च ना है ना अपॉइंटमेंट लैटर हैगी है ना सैलरिया का रिकॉर्ड है ना छुट्टिया का रिकॉर्ड है ना कोई काम का रिकॉर्ड है ना कोई लेन देन का रिकॉर्ड है केंद्र सारिया थावां तो बाबा करम सिंह जी होर का ना मिट गया जी अख वाहेगुरु क्यों क्योंकि एक महापुरखा ने वचन करता इसे तरह ही हुण यह जिहड़ी साखी है महाराज जी कहिंदे तुसीं इहनूं चोला ही कहना है इहदा ना दरगाह च भी चोला पै गए जिहड़ा कहेगा चोला गुरु उहदा रखेगा ओला अख वाहेगुरु ते हुण इसे साखी नूं सो निहाल कुछ इतिहास होर बाकी है इसे नहीं आप महाराज जी मेहर करन अगले हफ्ते लवेंगे आओ पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी जेड़े शब्द तो शुरुआत की सी आओ उसे तो समाप्ति करिए जी पूरे पूरे की बधाई मत कहना जाए ताकी कीमत कहना जाए ताकी कीमत कहना जाए ताकी कीमत कहना जाए पूरे गोर की देख बजाई पूरे गोर की दे बधाई।